नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या HPU एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो PG और BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो एक ही होगा या अलग अलग जो है वो होंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर कुछ एक के एग्ज़ाम पैटर्न में जो है वो चेंजेस यहाँ पर होने जा रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने PG के एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जारी कर दिए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के UG फर्स्ट ईयर के जो अभी एग्जाम होने हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी PG एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, तो यहाँ पे CU ET PG का जो आयोजन है वो 5 से 12 जून तक किया जाएगा, और जो आवेदन करने की यहाँ पे लास्ट डेट है वो 5 मई रखी गई है। और इस बार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो ऑल इंडिया लेवल के यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर जो है वो CU ET का एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाएगा, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। अब ये जो टेस्ट है वो 5 से लेकर 12 जून तक चलेंगे, और 5 मई के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट जो है वो है। तो इसी के बेस पे जो है वो यहाँ पे जो है वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है वहीं पे इसी के बेस पे भी जो है वो एडमिशन मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो NTA की वेबसाइट पर जाके जो है वो CU ET PG के लिए जो है वो अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो प्रदेश में टर्म परीक्षा प्रणाली की जगह हो वार्षिक परीक्षाएं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे SC ST कर्मचारी की कल्याण संघ ने बोर्ड सचिव को जो है वो सौंपा है, मांग करी है कि जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की जो टर्म एंड की परीक्षाएँ होती हैं उनकी जगह जो है वो यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम जो है वो करवाए जाएँ, तो इन फ्यूचर जो है वो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो है वो एनुअल एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पे जो 10th और प्लस टू के हैं वो एनुअल एग्ज़ाम जो है वो होंगे। तो यहाँ पे पहले भी विचार किया जा रहा था और अभी भी यहाँ पे एक मांग रखी गई है, तो आपको फ्यूचर में जो है वो 10th और प्लस टू की वार्षिक परीक्षाएँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो हम लोग ये बात करेंगे कि जो HPU का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है PG और BEd का, तो क्या सेम वही एग्ज़ाम जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए भी होगा? तो यहाँ पे HPU ने अभी नहीं मानी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए PG की संयुक्त प्रवेश करवाने की मांग। संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने को तैयार नहीं HPU, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बड़ी मुश्किल है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने मार्च में किया था HPU से संयुक्त परीक्षा करवाने का आग्रह। तो प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में सेशन 2023-24 के लिए PG डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने पर सहमति नहीं बनी है। HPU ने PG प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल अलग से जो है वो जारी कर दिया है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला 7 जिलों के निजी और सरकारी BEd कॉलेजों व रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए अलग से HPU मैट करवा रहा है, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे सरदार पटेल विश्वविद्यालय और इसके तहत आने वाले संस्थानों के छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 5 जिलों के UG फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को दोनों विश्वविद्यालयों में PG के लिए अलग अलग आवेदन जो है वो करने पड़ेंगे, और उनको जो है वो परीक्षा भी जो है वो दो बार देनी पड़ेगी और दो बार ही उनको फीस जो है वो चुकानी पड़ेगी। अभी HPU का परीक्षा शेड्यूल जारी हुआ है, मंडी विश्वविद्यालय ने अभी शेड्यूल जो है वो जारी नहीं करा है। 18 मार्च को SPU मंडी के कुल सचिव ने स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए HPU के कुलपति को पत्र लिखा था, इसका HPU ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। जारी विज्ञापन में सिर्फ HPU के लिए ही प्रवेश परीक्षा करवाने की जो है वो बात कही है। तो यहाँ पर जो अभी जो यहाँ पर बात है वो ये है कि जो PG और BEd की एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी अपनी तरफ से लेगी, और HPU जो है वो अपने जो भी उसके अंडर कॉलेजेस आते हैं उन्हीं के लिए जो है वो करवाएगा। तो इसके लिए जो है वो अलग अलग फॉर्म अभी भरने पड़ेंगे। अगर इन फ्यूचर में HPU वाला जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि जो HPU ने BEd का एग्ज़ाम हुआ था और वहाँ पे जो PG के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी के बेस पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में भी एडमिशन जो है वो मिली थी, तो अगर वैसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी जो है वो दोनों यूनिवर्सिटी से अलग अलग फॉर्म ही यहाँ पे फिल जो है वो होंगे। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के UG
फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होने हैं तो उनकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अभी भी यहाँ पे फिल हो रहे हैं। बाकी जैसे इनके जो डेट शीट है या जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जारी नहीं करा है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे इनका एग्जामिनेशन शेड्यूल है या जो भी इनकी डेट शीट है अभी जो है वो नेक्स्ट वीक तक ही यहाँ पे जारी होगी, और मोस्ट प्रोबली यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम है वो मई में ही जो है वो आयोजित करवाए जाएँ। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई और ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हैं ताकि अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।